विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, मौर्य काल पर थे। आज हमने करना है मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति कैसी थी। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति को शॉर्ट में करेंगे तो मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के विवरणों से प्राप्त होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरण 180 प्रकरण 6000 श्लोक। खोज करने वाले कौन? श्यामा शास्त्री जी। कौन? श्यामा शास्त्री जी। विषय वस्तु क्या? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या? राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु इकोनॉमिक्स नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं है, क्या है? राजनीति विज्ञान बोलना है आपने और लोक प्रशासन बोलना है, ठीक है। और अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली की किताब है राजनीति विज्ञान पर लिखी हुई, द प्रिंस, उससे की जाती है तुलना। किसकी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। बाकी मेगस्थनीज, मेगस्थनीज के विवरण प्राप्त होते हैं, लेकिन मेगस्थनीज के कई विवरण क्या है? गलत है। क्या है? कई विवरणों को उसने गलत दिया है। जैसे मेगस्थनीज ने क्या क्या कहा है कि दास प्रथा नहीं है भारत में, एक तो ये कहा। दूसरा उसने कहा 7 जातियां हैं जबकि 4 वर्ण थे यहाँ पर, ठीक है। भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ हैं, ये 3 तो ऐसे हैं ब्लंडर जिनको बोलते हैं। तो 3 साफ साफ पता चलते हैं कि ये गलत लिख रहा है। कौन? मेगस्थनीज, कि भारत लेखन कला से अनभिज्ञ है। जबकि मैंने कहा उसी से, उसके बाद का जो नियारकस है वो कहता है भारतीय लोग जो है वो कपड़े पर लेखन कार्य करते हैं, ठीक है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है और चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित किए हैं। शूद्र को शिल्पकला एवं सेवा वृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति दी है। किसने? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब वर्ण व्यवस्था ठीक है। वर्ण व्यवस्था का क्या किया उसने? समर्थन किया। उसने कहा चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित कर दिए। क्या कर दिए? चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित कर दिए। शूद्र को शिल्प कला और सेवा वृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति दी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग पार्ट जो है वो क्या है कि शिल्प कला और सेवा वृत्ति ही कार्य नहीं है शूद्र का। चाणक्य ने कहा है कि वो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, व्यापार, ठीक है, से भी आजीविका क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है। क्या कहा गया है? फिर क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। पूछेगा कि अर्थशास्त्र में शूद्रों को क्या कहा गया है, तो आपने बोलना आर्य कहा गया है। क्या कहा गया है? और मलेच्छों से भिन्न माना गया है। मलेच्छ कौन है? मलेच्छ यवन है। जो गौमांस खाएंगे वो क्या है? मलेच्छ होंगे। क्या होंगे? गौमांस खाने वालों को क्या कहा जाता है? काशी विश्वनाथ मंदिर में आज भी मलेच्छों को अनुमति नहीं है अंदर जाने की। जो हिंदू धर्म था उसमें ये बोला जाता था कि मंदिर में वो लोग प्रवेश नहीं करेंगे जो गौमांस खाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो मलेच्छों से भिन्न माना गया है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है, जो कि गलत है। आपको पता है कि 4 ही वर्ण थे। उसने कहा जी पहली जाति जो है वो दार्शनिकों की है, दूसरी जाति जो है कृषकों की है, तीसरी जाति जो है वो योद्धाओं की है, सैनिक या योद्धा, चौथी जाति जो है वो पशुपालक हैं, अहीर, क्या है? अहीर हैं। पांचवें जो हैं वो कारीगर व शिल्पी हैं, छठे जो हैं वो क्या हैं? निरीक्षक हैं, और सातवें जो हैं वो मंत्री और सभासद हैं। क्या हैं? मंत्री या सभासद। तो उसने गलत उल्लेख किया है। उसने कार्यों के हिसाब से उसने 7 जातियां मान ली, जो कि उसका उल्लेख क्या माना जाता है? गलत माना जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र में स्पष्टता कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य, वाणिज्य को इनको मिलाकर क्या बोला गया? वार्ता। क्या बोला गया है? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को क्या बोला गया? वार्ता। मैंने आपको बोला भी था एक शब्द आता है वार्ता, शस्त्रोपजीवी। वार्ता में आ गई 3 चीजें, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। शस्त्रोपजीवी में आ गया जैसे गांधार के लोग शायद, या काम्बोज के लोग जो शस्त्र पर ही जीवित रहते थे, शस्त्रों के सहारे ही जिनका क्या जीविका चलती थी, ठीक है। तो वार्ता को शूद्र का धर्म बताया गया, कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य को शूद्र का धर्म बताया गया। शूद्र किसान का भी उल्लेख मिलता है। उन्हें सेना में भर्ती होने तथा संपत्ति रखने का भी अधिकार था। अब ये अर्थशास्त्र में क्या क्या मोटी मोटी, पूरा अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना आपने, मोटी मोटी चीजें पढ़नी है। अर्थशास्त्र में सभी 4 वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती होने का उल्लेख है। यानी 4 वर्ण के क्या कर सकते थे? सेना में भर्ती
हो सकते थे, आवश्यकता थी ना। यवन आपको पता ही है, अलेक्जेंडर का आक्रमण हो गया था। अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद, अलेक्जेंडर का आक्रमण चंद्रगुप्त मौर्य के समय के आसपास की बात है, फिर उसके बाद उसके क्षत्रप यहीं रह गए थे, फिर वो हिंद यवन कहलाए। उनको बाहर भी तो करना था, क्या करना था, देश से बाहर करना था। कौटिल्य ने ईख यानी गन्ने की खेती को अधम कहा है। क्या कहा है? ईख यानी गन्ने की खेती को अधम कहा है। वार्ता शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख गौतम ने किया है। गौतम का न्याय पढ़ा है आपने, जब मैंने बताया था कि षड दर्शन, क्या बताया था, तो वहां पर गौतम ने किया है। वार्ता शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? आंसर गौतम ने किया है। अगला, मेगस्थनीज के अनुसार अपराध करने वाले ब्राह्मण को यातना नहीं दी जाती थी। ब्राह्मणों को छोड़कर कोई भी ना तो अंतरजातीय विवाह कर सकता था और ना ही दूसरा पेशा अपना सकता था, नहीं दूसरा पेशा अपना सकता था। यानी ब्राह्मण अंतर जातीय ने इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकते थे और दूसरा पेशा भी क्या कर सकते थे, अपना सकते थे। स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल में अपेक्षा, स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। पुनर्विवाह व नियोग की, नियोग प्रथा है, बताया था, पुत्र प्राप्ति के लिए पर पुरुष से संबंध स्थापित करना नियोग प्रथा, या बड़े भाई के मृत्यु होने पर छोटे भाई द्वारा बड़े भाई की पत्नी के साथ विवाह करना, ठीक है। तो नियोग प्रथा की अनुमति थी। कौटिल्य ने स्त्रियों को विवाह विच्छेद यानी तलाक की अनुमति दी है, डिवोर्स की अनुमति दी है कौटिल्य ने, ठीक है। इसके लिए उसने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। अब देखो, उस जमाने में बिफोर क्राइस्ट में महिलाओं को डिवोर्स देने की अनुमति थी और इसको क्या कहा गया है, मोक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? मोक्ष। वैसे तो मरने के बाद मिलता है मोक्ष, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जीवन, वैवाहिक जीवन क्या हो जाता है, नरक जैसा हो जाता है, दोनों लोगों के बीच में नहीं बनती है, तब क्या करना चाहिए है? क्या करना चाहिए भाई? मतलब ऐसा बोला कौटिल्य ने, मैं कोई वो नहीं दे रहा हूं। कौटिल्य ने कहा कि उसको मोक्ष शब्द कहा उसने, ठीक है, तलाक की अनुमति। अगला, समाज में वैश्यवृत्ति की प्रथा प्रचलित थी और इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। यानी प्रोस्टिट्यूट्स होती थी और उनको राजकीय संरक्षण दिया जाता था। स्वतंत्र रूप से वैश्यवृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपजीवा कहा जाता था। क्या कहते थे? स्वतंत्र रूप से वैश्यवृत्ति करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन बने हुए भाई उत्तर प्रदेश पीसीएस में, आंसर रूपजीवा। और इनके कार्यों का निरीक्षण कौन करता था? गणिकाध्यक्ष, यानी एक सरकारी कर्मचारी भी होता था जो इनके कार्यों का निरीक्षण करता था, उसको क्या बोलते थे? गणिका अध्यक्ष। तो प्रोस्टिट्यूट्स को उस जमाने में, मौर्य काल में, गणिका बोलते थे। क्या बोलते थे? गणिका। संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्काशनी कहा है। अनिष्काशनी मतलब निष्काशन, निष्काशित बोलते हैं उसे बाहर करने के लिए। अनिष्काशनी मतलब जिन्होंने, जो बाहर नहीं आती हैं। और एक शब्द और है मेरे ख्याल से, असूर्य पश्चात, जो सूर्य के दर्शन नहीं करती। क्या नहीं करती है? जिन्होंने सूरज देखा ही नहीं, मतलब देखती नहीं है। असूर्य पश्चात भी एक वर्ड है, अनिष्काशिनी एक वर्ड है, संभ्रांत घर की स्त्रियों के लिए, ठीक है। बट ये अच्छी चीज नहीं है, सूर्य न देखना अच्छी चीज नहीं है। सूर्य नहीं देखेंगे तो क्या होगा? विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी, और विटामिन डी की डिफिशियंसी मतलब शरीर में बहुत सारे, क्या, आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। समझ में आया? अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं ना कि हम धूप में नहीं निकल सकते, हमें ये होता है वो होता है, इसका मतलब वो फिट नहीं है शारीरिक तौर पर, क्या नहीं है, स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ वही है जो धूप में भी रह सकता है, बारिश में भी भीग सकता है, ठंड में भी रह सकता है और गर्मी में भी रह सकता है, जो लू में भी चल सकता है वो स्वस्थ है। क्या है? जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी ठंड में उसे ऐसा मर नहीं रहा है वो ठंड से, गर्मी में भी लू लू से भी अगर निकल रहा है तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि हर चीज से प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है। आप बड़ी विलासिता का जीवन जी रहे हो और विलासिता में जीवन जीना ठीक नहीं होता है। समझ में आ गया? ठीक है। और खासकर विद्यार्थी जीवन में तो आपने कैसा कठोर जीवन जीना है, कैसा कठोर जीवन जीना है, मतलब गर्मी में भी रहना है, सर्दी में भी रहना है, हर एक प्रकार से, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या। हाँ जी, सुखार तीनों कुतो विद्या,
विद्यार्थी नो कुतो सुख, सुखार्थी के लिए विद्या नहीं है और विद्यार्थी के लिए सुख नहीं है, ठीक है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन यूनानियों ने क्या किया है, उल्लेख किया है इस चीज का कि उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में जो सैनिकों की पत्नियां हैं वो क्या हो जाती है, सती हो जाती है। क्लियर हो गया? आप खुद सोचो ना, इस देश में सती प्रथा क्यों आई? वैसे तो बहुत बुरी प्रथा थी, इसका मतलब जो आक्रांता थे वो इतने क्या थे, क्रूर थे, क्या थे, इतने क्रूर थे, इतने मानसिक रूप से विकृत थे कि कोई यानी सैनिक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का जीवन क्या हो जाता था, नारकीय हो जाता था, और उसको ज्यादा जब चयन करना पड़ता था तो मृत्यु को चयन करती थी। कितने कितने खतरनाक लोगों को आक्रमण हुए होंगे इस देश में, ये सोचो कितने क्या बोल सकते हैं, क्रूर लोगों के आक्रमण हुए होंगे। समझ में आया? एक जगह पे कहा भी गया कि यवन क्रूर अवश्य हैं लेकिन विद्वान भी हैं, ज्योतिष में बताया गया है ना, एक जगह पे लिखा हुआ, क्योंकि ज्योतिष के 5 सिद्धांतों में से 2 सिद्धांत हमने यवनों से सीखे हैं, रोमक और पोलिस, रोमक और पोलिस। तो विद्वान थे बट क्रूर थे, क्या थे? और क्रूरता कहां पर होती है, जहां का भूगोल कठिन होता है, जहां पर खाने के लिए नहीं होता है, पीने के लिए नहीं होता है, वहां का भूगोल कैसा होगा, जहां का भूगोल कठिन होगा वहां के लोग कैसे होंगे, क्रूर होंगे। जहां पर तीनों टाइम भोजन मिल रहा है, जलवायु अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तो वहां पर कैसा होगा व्यक्ति, कैसा होगा भाई, विचारशील होगा, क्या होगा, शांतिप्रिय होगा, ठीक है। नट, गायक, नर्तक आदि कलाकार भी लोगों का मनोरंजन करते थे। पुरुष कलाकारों को रंगोपजीवी, पुरुष कलाकारों को रंगोपजीवी और स्त्री कलाकारों को रंगोपजीवनी, रंगोपजीवनी कहा जाता था। इन कलाकारों का गांव में प्रवेश वर्जित था, मनोरंजन करने वालों का प्रवेश वर्जित था गांव में, मनोरंजन करते थे लेकिन गांव से बाहर, गांव से बाहर, ताकि क्या ना हो जाए, व्यवस्था खराब ना हो जाए। लेकिन फिर अब जब धीरे धीरे समय बदला तो मनोरंजन करने वाले ही क्या हो गए, स्टार बन गए, अब क्या बन गए, और अध्ययन करने वाले क्या हो गए, अरे भाई अध्ययन करने वाले क्या हो गए, वो कोई नहीं जानता है, विलुप्ति समझो। इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसरो के 10 वैज्ञानिकों, 10 क्या 5 वैज्ञानिकों के नाम बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे। बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, DRDO के जाने माने वैज्ञानिक होंगे, हमारे देश में भी होंगे कि नहीं होंगे, कोई नहीं जानता उनका नाम, लेकिन कोई अगर मनोरंजन करने वाले हैं तो उनके नाम सभी जानते हैं। बल्कि अखबार, कुछ लोग तो अखबार में रंगीन पेज ही पढ़ते हैं, अखबार लगा इसलिए रखा है कि किसका विवाह कहाँ हो रहा है और किसका विवाह विच्छेद कहाँ हो गया और क्या हो रहा है, इनमें बड़ी दिलचस्पी होती है। आप लोगों ने नहीं पढ़ने ये सारी चीज़ें, आपने नेशनल इंटरनेशनल पढ़ना है, ठीक है, घटनाएँ पढ़नी है, और क्या पढ़ना है आपने, अखबार के बीच वाला पेज, एडिटोरियल पढ़ना है आपने, क्या पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है, ठीक है। प्रवहन, प्रवहन एक प्रकार का सामूहिक समारोह था जिसमें भोज्य व पेय पदार्थों का प्रचुरता से उपयोग किया जाता था, यानी पार्टीज वार्टीज भी चलती थी। दास प्रथा, मेगस्थनीज एवं स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, स्ट्रैबो भी कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी, मेगस्थनीज भी कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी। ये दोनों लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके देश में दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, क्या होता था, और भारत में दासों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होता था, इसलिए इन्होंने कहा भारत में दास प्रथा है ही नहीं, क्या नहीं है भारत में। आप खुद सोचो ना यार, अमेरिका के लोग जब अफ्रीका वालों को दास बनाकर ले गए ना, खरीद कर ले गए, तो उन्होंने क्या किया, उन पर जंजीरें बांधी, क्या किया, जंजीरें बांधी, उन्होंने 14-14, 16-16 घंटे काम कराया उनसे खेतों में, खुद तो कर नहीं सकते थे, जमीन तो कब्जा दी, लेकिन काम कौन करे, तो अफ्रीका स्लेव कोस्ट से लेके गए वो खरीद कर, जो आज आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है अफ्रीका में, वो ब्लैक लोग कौन है, वो वही लोग हैं जो उस समय वो लोग खरीद कर गए, तो कितना बुरा व्यवहार किया होगा उन्होंने उनके साथ, जीवन नारकीय बना दिया होगा, समझ में आया। तो यूरोप में देखा गया है कि ये लोग क्रूर तो होते हैं, क्या होते हैं, क्रूर होते हैं, ठीक है। अगला, इनके तो जो दंड देने के वो तरीके थे ना, वो भी बड़े खतरनाक थे भाई, क्या थे,
दंड यानी मृत्यु दंड देने के जो तरीके थे वो बड़े खतरनाक थे यूरोप के। जिंदा जला देना, चेयर पर बिठाकर जिंदा जला देना, या धीरे धीरे गर्दन की हड्डी क्या पीछे से घुमा घुमा कर, पेंच होता ना उसे घुमा घुमा कर धीरे धीरे करके तोड़ना। यहां पर भी थे मृत्यु दंड। यहां पर कैसे थे भाई? हाँ जी, फांसी तो बहुत बाद में आई, फांसी भी इन्हीं का दिया हुआ है। सिर काट देते थे, क्या कर देते थे? चलो, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। त्रिपिटक में 4 प्रकार के और कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ये याद करना है आपने, त्रिपिटक मतलब जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है उसमें 4 प्रकार के दासों का उल्लेख है, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। उत्तराखंड वालों ने पूछा उधर दास क्या था, दासों के प्रकार पढ़ने हैं आपने, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है? लेकिन अभी आपने सिर्फ इतना बोलना है कि कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया, 9 प्रकार के। हाँ जी, पेट भेंट करने के लिए उदर दास होते थे। और कितने प्रकार के दासों के नाम है? ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल की एक बड़ी महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी दासों को कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर लगाया जाना। कृषि कार्यों में लगाना ये एक घटना थी। समाज में दासों की स्थिति संतोषजनक थी। इन्हें संपत्ति रखने व बेचने का भी अधिकार प्राप्त था, संपत्ति रखने और बेचने का अधिकार भी प्राप्त था। महर्षि पाणिनि ने, पाणिनि कौन, अष्टाध्यायी के लेखक ने, शूद्रों को निर्वसित और अनिर्वसित 2 श्रेणियों में बांटा है। इसमें निर्वसित और अनिर्वसित 2 श्रेणियों में बांटा है। ऐसे क्वेश्चन बन चुका है कि महर्षि पाणिनि के अनुसार दासों के शूद्रों के 2 प्रकार कौन से थे, आंसर निर्वसित और अनिर्वसित। अब मौर्य काल में धर्म की स्थिति क्या थी? तो मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था किंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण तथा क्षत्रियों तक ही सीमित था। कर्मकांडीय जो वैदिक कर्मकांड प्रधान जो वैदिक धर्म था वो किस में प्रचलित था? ब्राह्मणों और क्षत्रियों तक ही सीमित था, वैश्यों और शूद्रों में नहीं था। ठीक है, पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। देवता की मूर्ति बनाने वाले शिल्पियों को देवता कारू कहा जाता, ये यूपीपीसी से क्वेश्चन है। देवता कारू, देवताओं की मूर्ति बनाने वाले देवता कारू। ठीक, मेगस्थनीज ने मुंड निकोर एवं सिकंदर के बीच वार्तालाप का जो वृतांत दिया है उससे मौर्यकालीन ब्राह्मण ऋषियों के जीवनचर्या पर प्रकाश पड़ता है। बड़ा प्रभावित हुआ सिकंदर किससे? मुंड निकोर नामक एक सन्यासी के, इसके साथ इसका क्या हुआ, वार्तालाप हुआ। पूछा सिकंदर ने, तो जो वार्तालाप का विवरण मिलता है मेगस्थनीज ने लिखा है उससे पता चलता है कि ब्राह्मण ऋषियों की जीवनचर्या कैसी थी। ब्राह्मण ऋषियों की, कुछ ब्राह्मणों को जो वेद में निष्णांत थे, जैसे आप मास्टर डिग्री बोलते हो ना आज, वैसे वेदों में भी निष्णांत होते थे। जब आप बोलते ना कि मैंने मास्टर डिग्री ले ली है, इसका मतलब आप निष्णांत हो। जैसे हम बोलते हैं कि हम साइंस में निष्णांत हैं यानी MSc है, हम कला में निष्णांत हैं यानी MA है, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो जो वेदों में निष्णांत थे, वेदों की शिक्षा देते थे तथा बड़े बड़े यज्ञ करते थे, पाली ग्रंथों में उन्हें ब्राह्मण निस्साल कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्राह्मण निस्साल कहा गया है। ऐसे ब्राह्मणों को राज्य से करमुक्त भूमि दान में मिलती थी। अर्थशास्त्र में ऐसी भूमि को ब्रह्मदेय कहा गया है। अर्थशास्त्र में ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा गया है? ब्रह्मदेय। ठीक है, पढ़ेंगे अभी आप भूमियों के प्रकार, ब्रह्मदेय, देवदेय, मठापुर, मठों को जो भूमि दी जाती थी, आगे चलकर पढ़ेंगे। वो मठापुर भूमि हो गई, देवदेय जो मंदिरों को दी गई वो कैसी, देवदेय, ब्रह्मदेय मतलब ब्राह्मणों को टैक्स फ्री जो भूमि दी जाती थी उसको क्या बोलते थे भाई, क्या बोलते थे? ब्रह्मदेय बोलते थे। और ब्राह्मणों को वैसे भूमि दान देने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? सातवाहनों ने किया। बड़े स्तर पर जो किया वो किसने किया? सातवाहनों ने किया। ठीक है, कुछ मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं आपको कि पुराणों में कौटिल्य को द्विजर्षभ कहा गया है। क्या कहा गया है? कौटिल्य को द्विजर्षभ कहा गया है। द्विजर्षभ का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण। किसमें कहा गया है? पुराणों में। क्लियर हो गया। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक हैं। छठे अभिकरण में, कौन से अभिकरण में? छठे अभिकरण में राज्य के सप्तांगों यानी स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष और मित्र के स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन मिलता है।
मैंने आपको बताया था कौटिल्य ने एक सप्तांग सिद्धांत दिया है, उसने बताया कि एक राज्य होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले स्वामी यानी राजा होना चाहिए, उसके लिए अमात्य होने चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, दुर्ग बल, बल मतलब सेना होनी चाहिए, कोष होना चाहिए और मित्र होने चाहिए उसके बाद। तो ये कहाँ पर है? छठे अभिकरण में, 15 अभिकरणों में से छठे अभिकरण में सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। मेगस्थनीज ने जाति प्रथा का उल्लेख 7 वर्गों में किया है, इन जातियों में किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। इसकी ये उल्लेख गलत है, 4 ही वर्ण थे इस देश में। कितने? 4 वर्ण थे, लेकिन इसने 7 वर्गों में विभाजित किया जिसमें किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। व्यापारियों के श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? सार्थवाह। यूपीएससी का क्वेश्चन है, क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था। श्रेणियों के संगठन का सर्वोच्च जो होता था उसको क्या कहते थे? श्रेष्ठिन कहते थे, जो आज जिन्हें सेठी कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्रेष्ठिन, ज्येष्ठक और या प्रमुख कहा जाता था। ज्येष्ठक, श्रेष्ठिन या प्रमुख कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों में सिक्कों के लिए कहापण, वैसे तो कारशापण है पर बौद्ध ग्रंथों में कहापण कहा गया है अथवा कारशापण का उल्लेख मिलता है। कारशापण का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। इसमें कारशापण का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है, 8 अध्यायों वाली पुस्तक है, व्याकरण की है, संस्कृत व्याकरण। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दुर्भिक्ष नहीं पड़ते थे। अब ये भी गलत बोला उसने, क्योंकि इतनी समृद्धि थी कि उसने दुर्भिक्ष देखे ही नहीं, क्योंकि इसके देश में दुर्भिक्ष पड़ते थे, फेमाइन जिनको बोला जाता है। लेकिन इसने कहा कि दुर्भिक्ष नहीं पड़ते थे, किंतु कौटिल्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि दुर्भिक्ष पड़ते थे और दुर्भिक्ष के समय राज्य द्वारा जनता की भलाई के लिए उपाय किए जाने का उल्लेख मिलता है। किसमें? अर्थशास्त्र में। क्लियर हो गया। सोहगौरा और महास्थान अभिलेख में दुर्भिक्ष के अवसर पर राज्य द्वारा राज्य कोषागार से अनाज वितरण का विवरण मिलता है। यानी जैसे आज हमारे FCI के गोदाम होते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम होते हैं, भरे पड़े हैं। अकाल पड़ भी गया तो अगले 3 साल तक क्या है, 3-4 साल तक का अनाज है उसमें। ऐसे ही बोल रहा है, कौन सा अभिलेख है वो जहां पर यह बताया गया कि दुर्भिक्ष के अवसर पर राज्य द्वारा राज्य कोषागार या कोष्ठागारों से अनाज वितरण का विवरण मिलता है? आंसर नंबर 1 सोहगौरा, नंबर 2 महास्थान अभिलेख। आपसे आंसर जो पूछेगा वो ये पूछेगा, सोहगौरा और महास्थान अभिलेख। क्लियर हो गया, आपने ये याद करना है। मेगस्थनीज ने शिल्पियों को चौथी जाति का माना है। शिल्पियों को कौन सी जाति माना है? चौथी जाति माना है। वस्त्र उद्योग इस काल में महत्वपूर्ण उद्योग था, किंतु वह राज्य द्वारा संचालित होता था। ऐतिहासिक काल में पक्की ईंटों और मंडल कूपों यानी रिंग वेल्स का प्रयोग सबसे पहले इसी काल में दिखाई देता है। पकी हुई ईंटों और मंडल कूपों यानी रिंग वेल्स का प्रयोग सबसे पहले किस काल में दिखता है? आंसर इसी काल में। कृषक, कारीगर एवं व्यापारी सैनिक कर्तव्यों से मुक्त रहते थे। कारीगरों का समाज में बड़ा सम्मान होता था। मनुस्मृति तथा अर्थशास्त्र से पता चलता है कि शूद्रों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में पता चलता है कि शूद्रों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। उदग भाग मौर्य काल में वसूल किए जाने वाला सिंचाई कर था। सिंचाई कर को क्या कहते थे? आंसर उदक भाग कहा जाता था। अगला, जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। किसने कहा? कौटिल्य ने कहा। किसने कहा? कौटिल्य ने कहा। लेकिन आधुनिक जो राजा हैं वो प्रतीक्षा कराते हैं, कई तो मिलते ही नहीं है। आधुनिक राजा कौन है आपके? हाजी अरे जो भी इलेक्ट हो गया वो आधुनिक राजा हो गया, एक प्रकार से राजा ही तो है, बाकी क्या दिखाई दे रहा है दुनिया में? चाहे आपका विधायक हो, सांसद हो, ये क्या है? आधुनिक राजा है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में ही उसका हित है। कौन कहता है? कौटिल्य कहता है। कितनी महान बातें लिख दी। कब? ईसा के जन्म से कई सौ साल पहले। ईसा के जन्म से कई साल पहले लिख दिया कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है, कौटिल्य कहता है। ठीक है, कौटिल्य दरअसल कुटिल नीति के कारण कहा जाता है उन्हें। इसके कारण, वैसे उनका नाम क्या? विष्णुगुप्त चाणक्य। अशोक प्रजा के कार्यों के लिए प्रतिक्षण और प्रत्येक स्थान पर मिल सकता है और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने में उसे बड़ा संतोष मिलता है, छठे अभिलेख में लिखा उसने।
अशोक ने कहा कि मैं प्रजा के कार्य के लिए प्रति क्षण और प्रत्येक स्थान पर मिल सकता हूँ और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने में मुझे बड़ा संतोष मिलता है। किस अभिलेख में लिखा है? छठे अभिलेख में लिखा है। अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बड़ा चिंतित था। प्रांतों में जो अत्याचार हो रहे थे उससे वो बड़ा चिंतित था। अशोक ने तोसली, उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों के चक्रवत स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। चक्रवत मतलब एक सर्कुलर चलता है ना, कि पहले ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, ऐसे कहाँ कहाँ का? तोसली, उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों के चक्रवत स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। अभी भी देखते होंगे आप कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं होते। टीचर हो सकता है कि शिक्षकों का देखा होगा आपने उत्तराखंड में, वैसे तो एक नीति होनी चाहिए कि इसकी ट्रांसफर की जो एक नीति होती है वो फॉलो होनी चाहिए, लेकिन कई शिक्षक हैं जो दुर्गम में हैं तो दुर्गम में ही हैं, कई साल हो गए उन्हें, मतलब सुगम में नहीं भेजा गया उनको, कहाँ नहीं भेजा गया। और कई हैं जो, हाँ जी, सुगम में ही हैं, कई साल हो गए उन्हें भी, ठीक है। तो तरीका वैसे ये होता है कि ज़्यादा लंबे समय तक सरकारी कर्मचारी को एक स्थान पर नहीं रखा जाता, ठीक है। सिविल सर्वेंट जो होंगे वो जल्दी नहीं दिखाई देंगे आपको, कई बार ऐसा दिखाई देगा कि एक ही साल में दो तीन जगह क्या हो जाती है उनकी, चेंज हो जाती है। क्या होती है, ऐसा क्यों होता है? इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, कायदे से कुछ समय दिया जाना चाहिए, उसके बाद उन्हें चेंज करना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? एक ही स्थान पर उनके क्या ना बन जाए, कहीं कॉन्टैक्ट ना बन जाए, पता चला सब लोग जान पहचान के हो गए तो फिर कार्य दक्षता पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए जल्दी जल्दी क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर हो गया? अभी तो कुछ और कारणों से किया जाता है कि अगर आपने राजा का कहना नहीं माना तो आपका ट्रांसफर पक्का है। भाबरू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। भाबरू अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? भाबरू है। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का विधान था। धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का, अल्प संग्रह करना चाहिए, अल्प व्यय करना चाहिए, ये कहां पर बताया गया है? तीसरे अभिलेख में बताया गया है। सांची तथा सारनाथ लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौसाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत किया जाएगा। कहां पर लिखा हुआ है? सांची और सारनाथ के लघु स्तंभ लेखों में, ये ध्यान रखना आपने, कहां पे पकड़ना, लघु स्तंभ लेख। अगर कहीं पे लिखा हो लघु शिला लेख, कहीं पे लिखा हो बृहद शिला लेख, है ना, डिटेल में पढ़ना हो अगर, तो मैंने बता दिया आपको कि क्या केसी श्रीवास्तव जी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिटेल में दे रखा उन्होंने, उसमें आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा। शॉर्ट में अगर पढ़ना है तो ये चल ही रहा है आपका, ठीक है। तो कलिंग अभिलेख से प्रकट होता कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से बड़ा चिंतित था, ये बता दिया मैंने सांची सारनाथ में। अब रुम्बनदेही अभिलेख से विदित होता है कि लुम्बनी यात्रा के अवसर पर अशोक ने वहां भूमिकर की दर को 1/6 से घटाकर क्या कर दिया, 1/8 कर दिया। ये तो पता नहीं कितनी बार, ये तो उत्तराखंड पीसेस वालों ने भी पूछा है, कितना कर दिया जी लुम्बनी में। लुम्बनी का नाम ही रुम्बनदेही है, लुम्बनी का नाम क्या है? रुम्बनदेही। तो वहीं लिखा हुआ उसने, हिद बुद्ध जाते हिद भगवा जाते थी, यहाँ बुद्ध पैदा हुए, भगवान पैदा हुए, इसलिए यहाँ का कर घटाकर कितना कर रहा हूँ कि 1/8 कर रहा हूँ। प्रचलित दर 1/6 से 1/4 थी। मौर्य काल में कुछ नगर स्वायत्त शासित थे, जैसे तक्षशिला एक निगम था और उनके द्वारा अपने सिक्के जारी किए गए थे। तक्षशिला क्या था? जैसे नगर निगम होता है ना, अपने सिक्के जारी करता था तक्षशिला। अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर वृषभ, लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह, सांची तथा सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृति मंडित की गई थी। तो मैंने बताया था आपको कि जितने भी खंभे मिले हैं किसके, अशोक के, उनके ऊपर कुछ ना कुछ क्या है, क्या है भाई, कुछ ना कुछ बना हुआ है। तो कहां पर वृषभ, कहां पर बना हुआ? रामपुरवा स्तंभ लेख में। कहां पर बना हुआ? रामपुरवा स्तंभ लेख में क्या बना हुआ है? वृषभ बना हुआ है। दूसरा, लौरिया नंदनगढ़ में क्या बना हुआ है? सिंह बना हुआ है। क्या बना हुआ? सिंह बना हुआ है। और सारनाथ और सांची दोनों याद करना आप, सारनाथ और सांची में क्या बना हुआ है? वो 4 सिंह वाली आकृति बनी हुई है। क्या बनी हुई? 4 सिंह वाली आकृति बनी हुई है। तो क्लियर हो गया? ठीक है।
स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? आंसर ऋग्वेद में मिलता है। कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। स्तंभ बता दूं मैं आपको कौन कौन से हैं। दिल्ली टोपरा है, दिल्ली मेरठ है, लौरिया अरराज है, लौरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा है और प्रयाग है। कौन कौन से हैं उनके स्तंभ? कौन कौन से हैं भाई? एक तो दिल्ली टोपरा है, सबसे प्रसिद्ध यही है स्तंभ लेख। कौन सा? दिल्ली टोपरा वाला। ठीक है, एक इतिहासकार हुए आपके शमसे सिराज अफीफ। कौन हुए? शमसे सिराज अफीफ ने लिखा है कि ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर यानी खिजराबाद जिले में, सहारनपुर खिजराबाद के टोपरा नामक स्थान पर गढ़ा हुआ था फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 जो रहा वो दिल्ली लेकर आया इसको। उसने इसे फिरोज शाह कोटला के ऊपर स्थापित करवाया। इसे फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से जाना जाता है। इस पर अशोक के सातों लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि अन्य पर केवल छह ही मिलते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने इसका वाचन करके अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया था। कौन सा? दिल्ली टोपरा सबसे इंपॉर्टेंट। फिर है दिल्ली मेरठ। ये पहले मेरठ में था, इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में लेके आया था। कहां पर लेके आया था? तीसरा लौरिया अरराज, ये बिहार के चंपारण जिले में है। कहां पर है? लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण जिले में है बिहार में। रामपुरवा, ये भी बिहार के चंपारण जिले में है। प्रयाग, ये पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा इसको अलाहाबाद या प्रयागराज के किले में रखवाया गया। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बता दिया भाई। अच्छा, अब अगला पॉइंट है, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसका शाब्दिक अर्थ है ढेर या थुहा, ढेर या थुहा। अशोक के कुल स्तंभों की संख्या कितनी थी? 17 थी। अशोक के कुल स्तंभों की संख्या कितनी? 17। अगला, अशोक के कांधार अभिलेख से मालूम होता है कि उसकी शांति नीति बहेलिया एवं मछुआरों पर भी लागू थी। बहेलिया मतलब चिड़ियों का शिकार करने वाले और मछुआरे मच्छी पकड़ने वाले। कांधार अभिलेख से पता चलता है कि उसकी शांति नीति बहेलियों और मछुआरों पर भी लागू हुई। मौर्यकालीन साधारण जनता की भाषा पाली थी, अतः अशोक ने अधिकांश अभिलेख किसमें? पाली भाषा में लिखवाए, इसमें जन भाषा में लिखवाए। ठीक है, और महात्मा बुद्ध ने भी जो उपदेश दिए थे वो जन भाषा पाली में दिए थे। जब आप जन भाषा में उपदेश देते हो तो आप हिट हो जाते हो। अगर आप कठिन भाषा का प्रयोग करोगे तो आपको आपका क्योंकि आम आदमी की समझ में नहीं आएगा, तो आम आदमी की समझ में जब जन भाषा का प्रयोग करते हुए कई देखे होंगे आपने, जन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो लोगों की जो संख्या 6-6 लाख लोग पंडाल में बैठे होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति संस्कृत में बोल रहा है, क्या कर रहा है? संस्कृत में बोल रहा है, बड़ी बड़ी बहुत गूढ़ बातें बोल रहा है, लेकिन आम आदमी की समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए काला अक्षर क्या? भैंस बराबर। तो वो कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते है ना। यानी आज अगर आपको क्या होना है, हिट होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले भी यही नियम था, आज भी यही नियम है, जन भाषा में क्या करना पड़ेगा? संवाद करना पड़ेगा। ठीक है भाई, जो बड़े इस समय सुपरहिट जो लोग हैं इसमें, किसी भी धर्म में, वो कौन है? वो जो जन भाषा में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। अशोक ने कांधार ये बता दिया मैंने, और मौर्य काल में सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्म स्तंभ हैं। यही बड़ी बात है कि अशोक के जो स्तंभ हैं वो कैसे एकाश्म है, और यही आश्चर्य का विषय है कि भाई फिरोज शाह तुगलक भी ले गया होगा, ठीक है, दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ, बट लाया कैसे होगा यार इतने बड़े खंभे? वो तो इतने भारी हैं कि उनको ऐसे लाना क्या है, संभव नहीं है, और वो भी बिल्कुल सुरक्षित, और उनके ऊपर फिर वो बने हुए थे क्या, कोई ना कोई जानवर बना हुआ था, उनको सुरक्षित लाना, ठीक है। ये चार सिंह में क्या बोलते हैं, एकाश्म स्तंभ है, ये चुनार के बलवा पत्थर से बने हुए हैं। ये हमारे समय में क्वेश्चन बना था,
कि जो स्तंभ है उनके लिए पत्थर कहाँ से मंगाता था, चुनार, कहाँ से, नामी चुनार, वैसे बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर भी मिलता होगा, इसलिए नाम क्या है, चुनार है वहां का। उत्तर प्रदेश में पड़ता है चुनार, देखिए चेक कीजिए चुनार कहाँ पड़ता है। उसने ऐसा पूछा ना कि अशोक अपने स्तंभों के लिए बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर बोलते हैं सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर क्या हो गया, सैंड स्टोन कहां से मंगवाता था, आंसर चुनार से मंगवाता था। सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर चार सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं, ये चार सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं, यह चक्र बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। अशोक के एकाश्म स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्ष है कहां का, और मैंने आपको बताया भी था नेशनल एम्बलम जो हमारा है उसमें चार सिंह तो हैं, लेकिन नीचे भी देख लेना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि चार जानवर कौन से हैं, तो चौकड़ी मारता हुआ घोड़ा है, सांड है, हाथी और व्याघ्र है, यही है चार जानवर, ठीक है। अशोक ने बाराबर की पहाड़ियों पर तथा उसके पुत्र दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियों में आजीविकों को गुफाएं प्रदान की। दशरथ द्वारा निर्मित जो गुफाएं थी वो कौन सी थी, गोपिका गुहा और वहीचक बहुदिक आजीविकों के लिए थी, गोपिका बहीचक, गोपिका और बहीचक। प्लिनी ने अपनी नेचुरल हिस्ट्री, हु रोट द बुक नेचुरल हिस्टोरी का, आंसर प्लिनी, प्लिनी ने अपनी नेचुरल हिस्ट्री का वृतांत मेगास्थनीज की इंडिका पर आधारित है, यानी प्लिनी ने जो लिखा वो किस पर आधारित है भाई, इंडिका पर आधारित है। मैं आपको बता दूं पुराण कहते हैं कि अशोक के बाद कौन बना, कुणाल बना, कौन बना, जो कि अंधा था, उसके बाद बंधुपालित बना, बंधुपालित कौन था, कुणाल का पुत्र था, बंधुपालित के बाद इंद्रपालित बना जो कि बंधुपालित का भाई था, इंद्रपालित के बाद दशोन बना जो कि बंधुपालित का पौत्र था, उसके बाद दशरथ बना जो कि अशोक का पुत्र था, कौन, अशोक का, पुराण बता रहे हैं पुत्र, ठीक है। संप्रति बना जो कि दशरथ का पुत्र था, फिर शालिशूक बना, फिर देवधर्मन बना, फिर सत्य धनुष बना देवधर्मन का पुत्र, और फिर वैधरथ बना, ये पुराण कह रहे हैं, जबकि दिव्यावधान कह रहा है कि कुणाल बना, संपति बना, बृहस्पति बना, वृषसेन बना, पुष्यधर्मन बना, पुष्यमित्र बना। अब ये आपने इस पे नहीं जाना है, मैं बता रहा हूँ कि इतना उल्लेख मिलता है किताबों में, इतना डीप नहीं जाना है, आपने कुछ खास खास नाम याद रखना है, आपने कुणाल का नाम याद रखना है, एक दशरथ का नाम याद रखना है, एक संप्रति का नाम याद रखना है, एक शालिशूक का नाम याद रखना है, जिसे इतिहास मानता है, संप्रति हो गया, शालिशूक हो गया, देवधर्मन हो गया, सत्य धनव या सत्य धनुष, सत्य धनुष और बृहद्रथ, इनका नाम याद करना आपने, समझ में आ गया क्या क्या बोला मैंने, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, उसके बाद कौन हो गया, बिंदुसार हो गया, उसके बाद कौन हुआ, अशोक हुआ, अशोक के बाद कुणाल हुआ, कुणाल के बाद दशरथ हुआ, दशरथ के बाद संप्रति हुआ, संप्रति के बाद शालिशूक हुआ, शालिशूक के बाद सत्य धनुष हुआ, शालिशूक के बाद देवधर्मन हुआ, देवधर्मन के बाद सत्यधनुष हुआ, सत्यधनुष के बाद बृहद्रथ हुआ, इनको याद रखना आप, इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट आपका कौन सा, बृहद्रथ, कौन सा, बृहद्रथ, जिसकी हत्या कौन करेगा, उसका ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र सोम, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद का एक विशद वर्णन एरियन ने किया है तथा उसे सूसा और एक बटना से भी सुंदर बताया है, सूसा और एक बटना के महल से भी सुंदर बताया, किसने, एरियन ने, चंद्रगुप्त के राजप्रासाद को, और ये मिला, और इसमें क्या मिले, खाली पत्थर के खंभे मिले, तो पता चला यार कि महल कैसा रहा होगा, तो पूरा महल जो था वो लकड़ी का था, किसका था, लकड़ी का, अब लकड़ी सड़ गई लेकिन पिलर्स जो है वो क्या है, क्या है, मिले, बल्कि ढूंढो कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद मगध में कहां से मिला, ठीक है। और बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ही रूम में नहीं रहता था, अलग अलग रूम होते थे उसके, उसकी सुरक्षा के लिए, और उसके जो अंगरक्षक थे वो पुरुष नहीं थे, महिलाएं थी, जिनको क्या बोलते थे, सम्रानुरागी नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, सम्रानुरागिनी, क्योंकि चाणक्य को पुरुष अंगरक्षकों पर ज्यादा भरोसा नहीं था, उसने महिला अंगरक्षिकाएं रखवाई, किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, ठीक है। जितना बड़ा राजा उतनी सुरक्षा, जितना बड़ा राजा उतनी ज्यादा सुरक्षा देनी पड़ती, आम आदमी ठीक है जिसको कोई सुरक्षा देने की
आवश्यकता नहीं पड़ती, कहीं भी जा सकता है वो। एक ऊंचाई पर जाकर आप तरसते हो उस चीज के लिए कि पहले ही सही था मैं, जब कोई नहीं जानता था। जब एक बहुत ऊंचाई पर चले जाते हो ना आप, अच्छा तो लगता होगा, लेकिन साथ में एक समस्या भी होती होगी कि यार मैं क्या स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनके पास जाकर कुछ खा नहीं सकता हूं। चलो, मेगस्थनीज के अनुसार उत्तर पश्चिम में ताम्रलिप्ति जाने वाले मार्ग की लंबाई 1300 मील थी। यूनानी एवं लैटिन लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। क्या कहा है भाई? पाटलिपुत्र का नाम पालीब्रोथा। वैसे पाटलिपुत्र का नाम क्या है? कुसुमपुर, कुसुम ध्वज, सोना नहीं है, कुसुमपुर और कुसुम ध्वज। क्या है? कुसुमपुर और कुसुम ध्वज। मौर्य शासन का स्वरूप उदार एवं कल्याणकारी निरंकुशतावादी था। कैसा था? उदार कल्याणकारी निरंकुशतावादी। अशोक के अभिलेखों की साम्यता ईरानी शासक डेरियस फर्स्ट के अभिलेखों से की जा सकती है। जो अभिलेख खुदवाने की जो क्या प्रेरणा ली अशोक ने, वो कहां से ली? डेरियस फर्स्ट दारा या दारे बहु से ली। अशोक का धम्म मूलतः सामाजिक एवं नैतिक अवधारणा पर आधारित था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वज्रथ था, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने की थी। पाटलिपुत्र मौर्यों की राजधानी थी, जिसे लैटिन लेखकों ने पालीब्रोथा, पालीब्रोत्रा, पालिम्बोत्र के रूप में उल्लिखित किया है। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र समानांतर चतुर्भुज रूप में बनाया गया था, जिसकी लंबाई आधा मील, चौड़ाई एक मील, नगर के चारों ओर लकड़ी की प्राचीर बनी थी, प्राचीर के चारों ओर एक खाई थी, 60 फुट गहरी थी, 600 फुट चौड़ी थी। नगर में आने जाने के लिए 64 द्वार थे, 570 सुरक्षा बुर्ज बने हुए थे। कितने? ये सब उल्लेख किया है उस जमाने के लोगों ने। 570 सुरक्षा बुर्ज बने हुए थे। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के राज प्रासाद को सुगाडग कहा गया है। क्या कहा गया है? सुगाडम कहा गया है, वैसे मौ होना चाहिए लास्ट में, सुगाडम कहा गया है। क्या कहा गया है? कहां पर? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाखदत्त ने लिखी। विशाखदत्त ने दो किताबें लिखी, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्ता। देखो, चेक करो, विशाखदत्त की दूसरी पुस्तक कौन सी? देवी चंद्रगुप्ताम। अरे भाई, देवी चंद्रगुप्ताम ही है विशाखदत्त। क्या लिखा देवी चंद्रगुप्ताम में उसने? क्यों बोल रहे हैं हम विशाखदत्त जो है वो गुप्तकालीन है? क्योंकि वो गुप्तकाल के राजा के बारे में भी लिख रहा है। मुद्रा राक्षस तो लिख ही रहा है मौर्य काल के बारे में, तो कोई व्यक्ति मौर्य काल में बैठकर कैसे लिखेगा गुप्तकाल के बारे में? हाँ, गुप्तकाल में बैठ के मौर्य काल के बारे में लिख सकता है। तो क्या है कि उसने लिखा देवी चंद्रगुप्ताम में किसके बारे में? रामगुप्त के बारे में लिखा, जिसने अपनी पत्नी किसको दे दी थी? सक शासक को सौंप दी थी। सक शासक ने कहा या तो आक्रमण झेल या अपनी पत्नी दे, तो उसने अपनी पत्नी दे दी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, उसको बुरा लगा, उसने अपनी भाभी को क्या करवाया? शकों के खेमे से छुड़वाया, स्त्री का रूप धारण करके गया, कहा शक खेमे में, और शक शासक की हत्या कर दी और अपनी भाभी को छुड़वा कर लाया और फिर विवाह किया उसने। इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दो पत्नियां दिखती हैं आपको, कौन कौन? ध्रुव देवी दिखती है, दूसरी एक कुमारगुप्त फर्स्ट की मां है और एक प्रभावती गुप्त की मां है। प्रभावती गुप्त की मां का नाम क्या है और कुमारगुप्त फर्स्ट की मां का नाम क्या है? बड़ा दिक्कत हो जाता है, नहीं दिक्कत हो जाती है। तो ध्रुव देवी जो है वो उसकी भाभी है, वो एक तरह से रामगुप्त की पत्नी है, ठीक है। ध्रुव देवी किसकी माँ है? कुमारगुप्त फर्स्ट की माँ है। और एक दूसरी है फिर प्रभावती गुप्त की माँ कौन है? तो गुप्तों में पढ़ेंगे हम अभी, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, ट्रेलर दिखा रहा हूं आपको आगे का, ठीक है भाई। 1912-14 में बीबी स्पूनर द्वारा कराई गई खुदाई में मिले कुछ स्तंभावशेषों से अनुमान लगाया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद लकड़ी द्वारा निर्मित था, जो आग लगने के कारण नष्ट हो गया। आग लगी नहीं होगी, लगाई गई होगी आक्रांताओं के द्वारा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आए चीन बौद्ध यात्री फाइयान ने
मौर्य राज प्रसाद को देवदूतों द्वारा निर्मित बताया। देखो फैयान बोल रहा है, जिसके देश में सारे राजमहली लकड़ी के हैं, वो यहां पर आकर बोल रहा है कि ये देवदूतों द्वारा निर्मित है। कौन? चीन के जितने भी महल होंगे ना, वो लकड़ी के बने हुए दिखते हैं। किसके? पिक्चरें देखते होंगे आप, चाइनीज मूवीज देखते हो, बड़े बड़े राजमहल किसके बने होते हैं? लकड़ी के। और वो यहां पर आकर देख रहा है, वो बोल रहा है देवदूतों द्वारा निर्मित है। फैयान किसके समय आया? फैयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया, रोहिणसांग हर्षवर्धन के समय में आया, इत्सिंग किसके समय में आया? इत्सिंग बाद में आया, बाद में आया। और स्वानचार्ट किसके समय में आया? अशोक के समय में आया। किसके समय में आया? स्वानचार्ट। चलो, एरियन ने मौर्य राज प्रसाद की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इसमें भारत का महानतम नरेश निवास करता है, यह कारीगरी का एक आश्चर्यजनक नमूना है। सूसा के मेनोनियन का प्रचुर वैभव और एक बतना का संपूर्ण ऐश्वर्य भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वेनसांग ने पाटलिपुत्र के खोए हुए वैभव का वर्णन किया है। किसने? कर्टियस ने सफेद स्टील, एरियन ने चमड़े के श्वेत जूते और नियारकस ने सूती वस्त्र का उल्लेख अपने विवरण में किया है। सामंत शब्द का प्रथम बार उल्लेख अश्वघोष ने किया। सामंत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? अश्वघोष ने किया। सारनाथ में जो स्तंभ है उसके ऊपर पशुओं का जो कूट क्रम है वो क्या है? एलिफेंट हाथी, चौकड़ी मारता हुआ घोड़ा, बैल और सिंह। ये याद करना, आपने दो ही दिखते हैं। जब फोटो देखोगे आप सारनाथ के स्तंभ की, चार शेर तो दिख जाएंगे, धर्मचक्र भी दिख जाएंगे, लेकिन उनके बीच में तो दो जानवर हैं आपकी तरफ वाले दिखेंगे खाली। एक घोड़ा दिखेगा चौकड़ी मारता हुआ, और एक मेरे ख्याल से क्या दिखेगा? बैल दिखेगा। ठीक है, सिंह और वो नहीं दिखेंगे आपको, क्या हाथी। क्लियर हो गया? इसमें इतना ही करा रहा हूँ, इसके बाद मौर्योत्तर काल कराऊंगा मैं।